दार मान रही हूँ. ओके नाउ सेकंड टॉपिक इज फिजिकल फीचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट आर द फिजिकल फीचर. लैंड है, डेजर्ट है, और जो भी लैंडस्केप है मुस्लिम वर्ल्ड का उसको हम डिस्कस करेंगे. इसके लिए पेज नंबर 2 पे एक रिलीफ मैप है जिसमें फिजिकल फीचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड को जो है वो शो कर रहा है वो मैप. उसमें ज़्यादातर कंट्रीज मुस्लिम वर्ल्ड को आप देखेंगे उसमें वो है लेवल लैंड पे. लेवल लैंड मीन्स लेवल लैंड. Below sea level. Level land means below sea level. वो मुल्क जो sea level से नीचे हैं. ये ज़्यादातर countries की एक ये physical feature, physical जो relief map है इससे ये चीज़ हमें नज़र आ रही है. उसकी गीज में आप देखेंगे तो ये physical feature में below sea level पर ज़्यादातर countries हैं. इसके अलावा जो mountainous area है, Atlas Mountains जो northern Africa में है, और वो सोमालिया, इथोपिया एंड जो हाईलैंड्स हैं इथोपिया के, वहाँ से होता हुआ यमन और एंड होता है सऊदी अरेबिया में. इसके अलावा जो है वो ईस्टर्न, अगर हम ईस्टर्न टर्की है और ईरान है, ये दो भी हाईलैंड एरिया है. लेकिन जो सबसे हाईएस्ट मुस्लिम वर्ल्ड में जो एरिया है दैट इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान जो है सबसे हाईलैंड एरिया है. और तो बाकी सारे हाईलैंड एरियाज पे भी कुछ पॉपुलेशन रहती है, बट जो अफगानिस्तान है सबसे हाईएस्ट जो है वो हाईलैंड एरिया पे. इसके साथ ही वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन का जो रेंज शुरू होती है जिसमें कराकरम, हिंदू कश और हिमालय है, जो कि पाकिस्तान तक जो है वो फैली हुई है. तो ये पूरा एक रिलीफ मैप है जो हाईलैंड एरिया है और जो लेवल लैंड है और जो डेजर्ट एरिया है. अफ्रीका का एक बहुत बड़ा जो मुस्लिम, तकरीबन 9 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट यानी सहारा डेजर्ट पे, वो पूरे सहारा डेजर्ट में 9 मुस्लिम कंट्रीज हैं उस पूरे डेजर्ट में. तो और फिर सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट है, यमन है, ईरान का कुछ एरिया है. ये तकरीबन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया पे जो है ना वो मुश्तमिल है. तो इससे हमें ये भी देखते हैं कि जो नॉर्मल जो वेजिटेशन है वो भी बहुत ही कम मुस्लिम मुल्क में बहुत अच्छे लेवल की होती है. और नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मींस व्हाट आर द क्रॉप्स आर ग्रो ओवर इन द मुस्लिम वर्ल्ड, व्हाट आर द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या है नेचुरल जो, और जो नेचुरल हर्ब्स और क्रॉप्स हैं वो कैसी होती है पूरे एरिया में. तो ये मुझे पेज नंबर 3 पे जो मैप है वो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम. इस मैप में तो वो ये है कि मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सम पार्ट ऑफ अफ्रीका हैज अ लिटिल नेचुरल वेजिटेशन. अदरवाइज मोर ऑफ द होल मुस्लिम वर्ल्ड आर हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, टेम्परेट और स्कर्ब एरिए पे जो है वो मुश्तमिल है. तो इस तमाम एरिए में जो है वो किस तरह का बहुत ही टफ वेदर कंडीशन होती है, बहुत क्लाइमेट, बहुत हॉट क्लाइमेट है. तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बुशेस है होती है नॉर्मली, और बहुत ही वो वेजिटेशन होती है जो इस बहुत ही टफ क्लाइमेट में जो सर्वाइव कर सकती है. अच्छा, इस टफ क्लाइमेट में भी कुछ ऑसेस और इस तरह की जो एरियाज हैं उसमें कुछ नेचुरल वेजिटेशन होती है. तो इस एरिए में जो लोग रहते हैं, चूँकि बहुत बड़ा एरिया है, इस टोटल एरिए में जो पीपल्स या लोग रहते हैं वो अपने हर्ड्स को यानी अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके मूव करते रहते हैं. जिस जगह जो ये है होता है इसका वेजिटेशन हो जाती है वो उस तरफ लेके चले जाते हैं. तो ये बहुत बड़ा यानी मुस्लिम वर्ल्ड का लाइफ स्टाइल है जो कि बहुत सारे कंट्रीज में इसको अभी तक फॉलो करते हैं वहाँ के लोग. ये वो उस कंडीशन की बात है जो कि बहुत ही टफ क्लाइमेट में लोग रहते हैं, जो कि बहुत बड़े मुस्लिम वर्ल्ड का रीजन में होता है. अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेजर्ट, सेमी डेजर्ट और टेम्परेट क्लाइमेट के ऊपर फैला हुआ है. तो इसमें जो वेजिटेशन होती है बहुत ही टफ प्लांट होती है जो इस
क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, और वो सिर्फ किन की काम आ सकती है, वो वेजिटेशन जो है इस गोट और शीप्स जो है उनके लिए इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। और इसको कौन लोग यूज करते हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है वो इसको नॉर्मल यूज करता है, जो कि अपने इस हर्ड्स और फ्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जो मूव करते रहते हैं, जिस जगह पे वेजिटेशन होती है वो अपने इन पूरे हर्ड्स को लेके उस जगह मूव कर जाते हैं। ये टोटली इस पूरे एरिया का लाइफ स्टाइल है जो कि अभी तक उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर हम ये जो आपके पेज नंबर 3 पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मैप है, अगर हम इस पे एक नज़र देखें तो यहाँ में एक कंसीडरेबल एरिया जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखता है, जिसमें सम पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया मलेशिया है, इन एरियाज में ह्यूज अमाउंट ऑफ टिम्बर एंड अदर रेन ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं, सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का जिक्र नहीं किया है, जिसमें पाम ऑयल की बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इंडोनेशिया मलेशिया जो है वो बहुत बड़े पाम ऑयल के जो है ना प्रोड्यूसर हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से वहाँ पे ये इस इतनी बड़ी हाई लेवल पे, इतनी बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हम जब ये नेचुरल वेजिटेशन है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड एक बहुत बड़ा जो है एग्रीकल्चर जो है वो भी उसको पार्ट को जो है वो कवर करता है, जिसमें पाकिस्तान है, टर्की है, और इजिप्ट है, ईरान है, एंड कुछ सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, ये बांग्लादेश है, ये बहुत बड़े जो है वो ने जो वेजिटेशन है ये एग्रीकल्चर को जो है वो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का, कि एक तो पहले मुस्लिम वर्ल्ड ने बताया गया से बहुत बड़े एक डेजर्ट एरिया पे, और टेम्परेट डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया पे मुश्तमिल है, और वहाँ किस तरह की वेजिटेशन होती है जो कि नॉर्मल गोट्स और शीप्स के लिए होती है, और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ग्रुप ऑफ पीपल है वहाँ रहते हैं और अपने हर्ब्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, जहाँ हर्ब्स ये हो जाती हैं, वेजिटेशन होती है वो उस जगह ले जाते हैं। दूसरा जो हमने बताया था कि कुछ ट्रॉपिकल जो रीजन है जिसमें सब पार्ट ऑफ अफ्रीका और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया मलेशिया है, यहाँ पे जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रॉपिकल टिम्बर और दूसरी ट्रॉपिकल प्रोडक्ट सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो पाम ऑयल का प्रोड्यूसर इंडोनेशिया मलेशिया है वो भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से वहाँ पाम ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे डेजर्ट है या ये कुछ भी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होता, बट द मुस्लिम वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा जो एग्रीकल्चर का भी जो है ना कंट्रीब्यूशन करता है वर्ल्ड में, उसकी कंट्रीब्यूशन में हमारे पास जो है बहुत बड़े कुछ नाइल वैलीज हैं, टिग्रीस है, एमॉर्फस है, और इंडस वैली जो है, ये सारे जो बड़े रिवर हैं इन इनमें बहुत बड़ा जो है ना एग्रीकल्चर जो है वो लैंडस्केप है, और वो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसमें राइस है, वीट है, कॉटन है, टोबैको है, ये सारी चीज़ें इस जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज रिवर्स, और इनकी जो वैल्यू इनके प्लेन एरिया में जो एग्रीकल्चर होती है वो हम इन जो ये भी एक मुस्लिम वर्ल्ड की बहुत बड़ी वेजिटेशन है एग्रीकल्चर जो है। ओके, थैंक्स यू ऑल।